पहला सवाल किया था अल्लाह ताला ने, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तैयबात वस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, पूरा पढ़ना ला, ऐ अल्लाह ताला ऐ आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे मेरे भाई, नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, क्या देंगे हम लोग, जाएंगे वहां खाली चले जाएंगे। यहाँ तो कितना दिन की जिंदगी है, खूब जी, अब तो 100 साल, न काम तो खत्म होना, जाना ही है, मौत का मजा चखना ही है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, सब जाएगा वहां, वहां जाने ही जाना, क्या देंगे, खाली क्या देंगे, इबादत, लेकिन नहीं, हम तो तुम्हारे आपके लिए बहुत सारा इंतजाम किया, खाने पीने रहने सहने पहनने उन्हें सबके लिए इंतजाम किया, मेरे लिए आप क्या लाए दुनिया से, दुनिया में इसीलिए भेजा कि कौन अच्छा अमल करके लाता है, मेरा बंदा अच्छा अमल करके लाता है। आज हम लोग सूद से समझौता करते हैं, बैंक से समझौता, लोन से, इंटरेस्ट से, फिक्स से, आज अपने नाम, बच्चे के नाम, बच्ची के नाम, क्या भाई फिक्स कर दीजिए, वरना शादी कैसे होगा, नहीं, अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह रिस्क का मालिक अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम रिस्क के बारे में सोचते सोचते खो जाते हैं, बुला जाते हैं, कहा कि अल्लाह ताला ने कहा, अरे मूसा कहाँ खोए हो, कहा कि अल्लाह रोजी कहाँ तक, कहा तुम्हारे बगल में जो पत्थर है ना, अपने छड़ी को मारो, छड़ी मार देते हैं, दो दाल हो जाता, उसमें एक फतिंगा था, उसके मुंह में हरा चारा लगा कर रखा था अल्लाह ताला, कहा कि अरे मूसा मैं रोजी यहाँ तक देता हूँ, रोजी अल्लाह है, रिज्क अल्लाह। आज अगर हम सोचते हैं कि अपनी बीवी बाल बच्चों को खिलाता हूँ, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई, आपके साथ उसका रिस्क लगा हुआ है। नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, वजीफा पढ़े, जो अल्लाह का हुक्म है वो माने। हमारा मुर्शिद बार बार कहता है, नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, हकानी जरूर से से उस देहाती ने क्या कहा, जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, 5 टाइम नमाज, 5 टाइम कुरान। हम लोगों का वजीफा कुरान से, इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है, 5 टाइम नमाज पढ़ना और 5 टाइम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा, न मैं इससे कम करूंगा, न मैं इससे ज्यादा करूंगा, कह के जाने लगा, नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है, ऐलान कर दिया। आज हम लोग नमाज नहीं है,
खाली फिरके के साथ फिरका परस्ती से क्या मतलब, हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाप खुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुझसे दुआ करते हैं राही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, कहा कि तुम भी ले लो और तुम भी दुआ करो हक्कारी। पूरी दुनिया का भ्रमण किया, तलाश करते करते थक गए, यहाँ तक कि किसी ने कहा आपको कोई दुनिया में ऐसा है जो आपको मुरीद कर देगा, और भी मुरीद करते थे रात भर हाँक हाँक करते थे, कुछ ना मिला। जिस वक्त मुर्शी से हाथ मिलाया, कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया से उठा दिया, जो कि कर्मनाशा की रवानी को बदल दिया, कर्मनाशा पूरब बहती है पश्चिम बहा दिया। ये हक है, ये कहानी नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं मानने के लिए। अब क्या चाहिए, अब वही बाकी है, जीजो बकलिया मरजो बकलिया, राय रहमत ज्यादा कैसे कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में मार दिया गया, फोड़ दिया गया, यहाँ तक कि सिरे मुबारक से खून चमकने लगा। तब क्या कहा, जिब्रील अलैहि सलाम आते हैं, अल्लाह ताला ने भेजा जिब्रील अलैहि सलाम को, कहा कि अगर हुक्म हो तो दो पहाड़ को सटा दूँ, ताइफ के दोनों तरफ जो है पहाड़ है, कहा कि हुक्म हो तो सटा दूँ। कहा कि अरे जिब्रील, ये लोग मर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जिंदा रहेंगे तो ये नहीं मान लाएंगे, इनकी नस्ल दर नस्ल ही मान लाएगी, लेकिन चले जाएंगे तो काम तो यही खत्म हो जाएगा। दुआ करें इनके लिए, आप अल्लाह ताला से भी दुआ करें, पूरा पूरी आप मांगे, आपका मुर्शिद देने के लिए तैयार है, जिसने गांस से जान दिलवाया, इतना बड़ा करामात दिया, कितना चाहिए, गांस से जान दिलवाया, गांस थोड़ा झुक भी गया अदब के मारे, गांस अजान दे सकता है, क्या हम इंसान कलमा नहीं पढ़ सकते हैं। यूनुस अलैहि सलाम को जिस वक्त मछली पेट में लेकर जमीन के तामे जाती है, वहां की कंकड़ियां यही कलमा पढ़ रही थी, अस्सलामु अलैका इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअस्सलामु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कंकड़ी कलमा पढ़ने पर राजी, लेकिन हम इंसान राजी नहीं ना। हमारे हाफिज साहब किबला बोलते बोलते चले गए, 26 साल तकरीर किया, कई बात का अमल किया, बता दे कोई एक पीर भाई बता दे, सोचते थे हम लोग सोचते कि घर ही के हैं, और पीर भाई पीर साहब चला चले गए, काम खत्म, कुछ नहीं लिया, पूरा पूरी अपने मुर्शिद को माने। सुफिया जन गांछी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बड़ा करामात दे करके मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को भेजा, अरे मौलाना इदरीस, कहा कि जी हजूर, बराकत से उधर तेरा और बराकत से इधर मेरा, इलाका दे दिया, गाजीपुर में हाजिरी देने होगा, बराकत से इधर जितने लोग हैं मुरीद तभी तो कामयाबी है, वरना कुछ ना कह लो कि हम वहाँ से मुरीद हैं तो हम कहाँ से जाए, सारे लोग तो वही उसी का वजीफा है। एक डाकिया होता है ना, डाकिया पहुंचा दिया चिट्ठी, ले भाई वही है यहाँ, पहुंचा दिया, ले सारे तक पहुंचा देना, ये वजीफा ले लो और सब तक पहुंचा देना, ये आपकी तबलीग हो गई। नहीं, कलमा पढ़ने की तो कलमा पढ़ो, ये नहीं कि नमाज छोड़ के अलग हो जाओ, कोई कहने वाला नहीं है कि भाई ना ही पार्टी मत बनाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वजीफा पढ़ो, अल्लाह का हुक्म मानो, मुर्शिद का हुक्म मानिए, मुर्शिद के जितना हुक्म है अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद ने दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, और मुर्शिद की नाफरमानियों से बचा दे। हकानी दरूद एक मुरीद गया मुर्शिद से मिलने के लिए, सोमवार को मुलाकात होती है दिसंबर में, सारे लोग मिल के जाने लगे, एक मुरीद जाता है और हजरत ने सवाल कर दिया जो पोशीदा हुए हैं, कहा कि भाई तुम्हें हक्कानी दरूद शरीफ याद है, सारे लोग मिल के जा रहे हैं,
किसी से सवाल नहीं किया मुर्शिद, और उनसे सवाल करता कि आपको हकानी दरूद शरीफ याद है? बस चुपचाप खड़े, नहीं याद था, नहीं याद था। बगल में दूसरे पीरान पीर ज्यादा रहमतुल्लाह ले खड़े थे, दादा आजू। तब मुर्शिद ने क्या कहा, अरे पीरान पीर ज्यादा, तुम्हारा मुरीद है जो इसको हकानी दरूद शरीफ नहीं याद। मुर्शिद को कितना रुसवा किया मुर्शिद के सामने, इसको हकानी दरूद शरीफ नहीं याद है, बोलो कैसे तुम्हारा काम चलेगा जिसको सूरह फातिहा नहीं। ऐसे ऐसे मुरीद हैं इस इलाके में जिसको कि सूरह फातिहा नहीं याद है। मेरे भाई बुढ़ा हो गया, पक गया, यो कबर पैर में, पैर जो है कबर में है, लेकिन उसको सूरह फातिहा इखलास फलक नास नहीं याद है। क्या पढ़ेगा, क्या अमल करेगा मुर्शिद की बात पर? खाली वजीफा ले लिया और ले जाकर अब हजरत से मुरीद हो गई नहीं, अब हजरत जान, हजरत जनिया, आप करोगे आप पाओगे, और हम करेंगे तो हम पाएंगे। एक खुल्लम किताब है मुर्शिद का, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अब जो है उसके बाद को खराब लगता है, आके दादा से कहने लगते हैं क्यों हमसे ही सवाल किया गया। कहा कि मुर्शिद जानता है किसको याद है कि किसको नहीं याद है, लेकिन उसका मिनका मिजाज दूसरा था खान साहब से। कहा कि जाओ आदमी से पूछो कि हकानी दरूद शरीफ याद है, जाओ तुम ही पूछो उससे, तो मिल क्या रहा हजरत से, जाके पूछते हैं। कहा भाई आपको हकानी दरूद शरीफ याद है? वो तड़तड़ा के पढ़ दिया। अच्छा एक आदमी है दूसरे से पूछ लो, दूसरे से पूछ लो खान साहब, नहीं कहोगे जाके गाँव पे ना, पूछ लो उससे भी पूछ लो। और उसके बाद एक गांव का ही आदमी आया, कहा कि तुमको और नहीं यकीन है तो इससे पूछ लो, वो भी तड़तड़ा के पढ़ दिया। मुर्शिद जानता है कि तुम्हें नहीं याद है इसलिए तुमसे सवाल कर दिया। आज देख ले इस इलाके में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सूरह फातिहा याद नहीं, फलक नहीं, इखलास नहीं, तो हकानी दरूद शरीफ कैसे पढ़ेगा, बोलो नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस इलाके में, बताए पता नहीं कैसे मुरीद हैं, बुढ़ा हो गया क्या, सूरह फातिहा तो सुनते सुनते याद हो जाएगा, नहीं याद, अगर नहीं पढ़ा है तो भी सुन के याद कर लेगा, नहीं जानता है। इतना पढ़ाया जाता है कि धीरे धीरे अगर सुनेगा तो याद कर देगा, लेकिन कोशिश नहीं करता है। लाए वजीफा ले जाकर रख दिया, चलो हजरत जनी हमारा से काम होगा, देवो वहां तो तुहरे से सवाल होगा, ना हो हमार तो काम रह पहुंचा देनी। लाए वजीफा पढ़ो सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ो, ना से किताब में बा ये पहुंचा दिया गया आपको, पहुंचा ले पढ़ो, इस पर अमल करो, मुर्शिद का हुक्म मानो, अल्लाह के औलिया का हुक्म मानो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को कहा, ऐ मूसा तुम मेरे दोस्त से मिलो, नबी का फरमान, अल्लाह का हुक्म, क्या ये गलत है? कहा कि तुम मेरे दोस्त से मिलो, कहा कि ऐ अल्लाह ताला मैं तो नबी हूँ, कहा कि नहीं तुम मेरे दोस्त से मिलो, अल्लाह का औलिया, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का रफीक है। हकानी दरूद اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى صحابه وعلي محمد اجمعين اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد وعلى سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد कहा कि अल्लाह ताला मैं तो नबी हूँ, कहा कि नहीं तुम मेरे दोस्त से मिलो, कहा कि अल्लाह दूरी कितनी है 500 बरस, जात मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह आपके यहाँ दूरी नज़दीकी कोई माने नहीं रखता है, कहा कि ठीक है चलो 5-6 कदम चले, ले जाके एक समुंदर के किनारे अल्लाह ताला पहुँचा देते हैं। कहा कि ये मूसा इसी पानी के सतह पर मेरा दोस्त रहता है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, जवाब नहीं आई, फिर दोबारा कह दिया, 3 बार कह दिया, ए अल्लाह ताला ये आपका कैसा दोस्त है जो सलाम का जवाब नहीं देता है। कहा कि ए मूसा अब सलाम करो, कहा कि अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह। मूसा अलैहि सलाम परेशान है, आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा कि आपको मेरे यहाँ किसने भेजा? देखे अल्लाह का औलिया, जिस अल्लाह का औलिया हक है, हमारा मुर्शिद भी हक है मेरे भाई, जिसने गांस से अजान दिलवाया, ये हक नहीं है। अब क्या चाहिए, बहुत सारा करामात है मुर्शिद के, प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक मौलाना साहब थे हकानी के,
शायद देवबंद से फारिग थे, मौलाना देवबंदी साहब कहे जाते थे। आज हम लोग देवबंदी बरेली में परेशान है, देख कहते ही कहाँ ले आ गए। नहीं, उनके सबके पढ़े का हुक्म बाए कौनो फिरका हो, वहाँ फिरका नहीं है, मुर्शिद के यहाँ फिरका नहीं है। मौलाना देवबंदी साहब ने साहब से कहते हैं मुर्शिद, अरे मौलाना आप तो मौलाना हो, कम से कम ये तो कान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वजू करते थे करके दिखा दे। मौलाना साहब परेशान है, कहा कि अब बहुत देर हो जाती है, चलो हाउस पर बैठ जाओ। हाउस पर बैठ जाते हैं, नहीं बैठ रहे थे, कहा कि आज हुक्म मान ले मुर्शिद का। बैठ जाते हैं दोनों आदमी, इधर मुर्शिद इधर मुरीद। अब जो है कहा कि करो मौलाना कैसे वजू करते थे, वो नहीं कर पाए। तब मुर्शिद ने दिखाया, कहा कि ये मौलाना देख ले ऐसे वजू करते थे, पहले हाथ धुला। तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए, ऐसे ही वजू पूरा करते करते तीन बार बेहोश हुए। अब उसके बाद जब वजू पूरा हो जाता है तो मुर्शिद ने क्या सवाल किया, ए मौलाना तूने क्या देखा? तो मौलाना साहब ने क्या कहा, कहा कि आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कितना प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए तो क्या? अरे पढ़ब तो हम पैबे करब, कुछ न कुछ तो मिलबे करी, ना पढ़ब तो क्या मिली? अमल नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? नमाज नहीं मिलेंगे पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे हम? नहीं मालूम है, आज हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अरबी का ख्याल नहीं करते हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो आपको ही कहेगा कि मेरे माँ बाप कैसे थे जो मुझे अरबी की तालीम नहीं दिया। आपके गांव में किसी मौलाना है तो आप ही पढ़ाए, बाप है माँ है, माँ नहीं बाप नहीं, यानी इससे समझ में आता कि आप भी नहीं पढ़े हैं। उसकी जिम्मेवारी है उसको अरबी का तालीम दे, कुरान तक तो पढ़ा ही दे उसको, वरना अल्लाह कह जाएगा तो कैसे है ना, ए फारे पुल ना मिली, अलिफ से अल्लाह मिली ना, ही मिलेगा वहाँ, कुछ ना मिली। इंग्लिश मीडियम में पढ़ के ये रह जाइए सुने के वहाँ, इंजीनियर बन जाए पैसा मिली, लेकिन वहाँ कुछ ना मिली। सवाल करेगा आपका दीन क्या है, आपका कुरान कैसा है, पूछेगा नहीं, फरिश्ता आएगा तो कह देगा हाँ कि ना ये कुछ नहीं की जान कैट में कैसे नहीं मिलनी भैया, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ कुरान देने होगा, वजीफे देने होगा, नमाज देने होगा, जो अल्लाह का हुक्म है वो देने होगा। आप अपने बच्चे को तालीम दे हकानी दुरुस्त से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद वा आला मुहम्मद वा आला सबाइन मिन सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद वा आला आलिहि वा सहाबा जरियात वल माज वा सहाबी वा आलिहि उम्मत अजमईन अमान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इब्राहीम वा आला सैयदना इब्राहीम अलकरम अलमजीद। हम लोगों का मुर्शिद ऐसे है जैसे कि साया, जैसे आपका साया चलता है वैसे मुर्शिद रहता है, ये जान लें आप। आप जितना फाल चल के आए हैं अल्लाह ताला आपके नाम से उतनी नेकी लिख देगा। ऐसा कोई मजलिस कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, किसी दुनिया के कोने में निकाल के दिखा दे जो पहले कहता वजू करिए दो रिकात नफिल नमाज पढ़ के तब मजलिस में बैठिए। अल्लाह के औलिया की दोस्त की मजलिस समझ के नियत करके बैठे कि मैं अल्लाह के औलिया की दोस्त की मजलिस में बैठ रहा हूँ, इंशाअल्लाह बरसा बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। एक मौलाना साहब जा रहे थे हज करने के लिए, देखने मस्जिद कहाँ तक देखता है, कहते हैं ना, कहा कि जा रहे थे हज करने के लिए, कहा कि हजूर मेरा आज 4 बजे फ्लाइट है, कहा कि हाँ, कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर देंगे कि मेरा हज पूरा हो जाए, कहा कि हाँ इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, कहा कि मौलाना साहब एक मिट्टी का ढेला ले लेना, हम लोगों के यहाँ नहीं मिलेगा लेकिन बंगाल में जितने पीर भाई सबके पॉकेट में मिले, सबके मिली। मौलाना से पूछबा ना तो कह दी कि आए भाई तैमू बरखास, नहीं मुस्लिम मुर्शिद का हुक्म है वो बरखास नहीं, हरदम वजू से रखता है। इस्तिंजा कहीं रास्ते में इस्तिंजा कर लिया, तयम्मुम कर लिया, वजू के साथ जा रहे हैं कलमा पढ़ते हुए शहादत पढ़ते हुए, नहीं ये क्या है, वजू बना लिया तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम से अपना वजू कंप्लीट कर लिया, जहाँ पान जहाँ रास्ते जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ वजू बना लेंगे, वजू हो जाएगा, वजू के साथ रखा मुर्शिद पूरा पूरी। देख लें मौलाना साहेब जाते हैं हज करने के लिए, 4 बजे उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट उड़ जाता है और उड़ने के बाद 1 ही घंटा के बाद असर का वक्त हो गया और जहाज का पानी खत्म हो गया।
अब उतरी ना तोरा खातिर कि नमाज ले जाई कि का जाई उतर जहाज जाते तड़तड़ाई ले। अब जो है मौलाना साहब मिट्टी का ढेरा निकाल लेते हैं, रोना शुरू कर दिया, आंख से आंसू जारी है, एकदम हिचकी बन गई, मुर्शिद की बात याद करने लगते हैं, यहाँ तक कि लगा कि टाइम चला जाएगा, जल्दी जल्दी तैमुम किया, बगल वाले हाजी क्या कहता है, हाजी हमको भी दे दे, बगल वाला यानी जितने जहाज में बैठे हुए थे सारे के नमाज को मुर्शिद ने तैमुम से बचा लिया, वरना कजा हो जाता तो सजा हो जाता। फिर मुख्तसर में मौलाना साहब आके जाते हैं मुलाकात के लिए मुर्शिद से, अब रोने लगते हैं, कहा कि क्या बात है, तुम्हारा हज नहीं हुआ क्या, अरकान पूरा नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया। कहा कि नहीं हजूर, मुर्शिद जहाज के पानी को देखता है। कहा कि आज समझे मौलाना, मुर्शिद दिल की बात को जानता है, ये हक है, हक्कानी जरूर से अल्लाह मोहम्मद।